नमस्कार, मेरा नाम आकांक्षा नायक है। आज मैं आप सभी को एक भावपूर्ण कविता अर्थ सहित समझाने जा रही हूँ। यह कविता वसुदेव कुटुंबकम पे आधारित है, जिसका मतलब होता है सारा विश्व एक परिवार है। इस कविता का नाम है हम सब पंछी प्यार के। इसकी वीडियो में कविता सुनाते हुए पहले भी डाल चुकी हूँ, पर आज अर्थ भी समझाऊंगी। इस कविता को कवि किशोर काबरा जी ने लिखा था, तो चलिए कवि किशोर काबरा जी के इस कविता को अर्थ सहित समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे थे इस कविता के माध्यम से। तो कविता के स्टार्ट करते हैं। बादल कहे पुकार के, सागर कहे दुलार के, धरती एक घरुंदा भाई, हम सब पंछी प्यार के। बादल और सागर ये दोनों इस चीज़ का प्रतीक है कि हम सभी लोग पंछी हैं, प्यार के एक दूसरे के साथ प्रेम सहित रहते हैं। और धरती तो हम सभी के लिए एक छोटा घर है। पाँव में तूफान हमारे, आँखों में विश्वास है, मल्यानंद की गंध पहन कर उभर रही है श्वास है। इस दुनिया को बांध रहे हैं स्नेह प्रेम की डोर से, तिनका तिनका चुनकर हमने एक लिखा इतिहास है। काल पृष्ठ पर देख रहे हम अक्षर बन अंगार के, धरती एक घरुंदा भाई, हम सब पंछी प्यार के। हम सभी को एक दूसरे पे पूर्ण भरोसा है, हम जो भी कदम उठाते हैं पूरे विश्वास के साथ उठाते हैं। और जो श्वास ले रहे हैं वो मले पर्वत की सुगंधित हवा की श्वास लेते हैं। इस दुनिया को हम सभी ने अपनी स्नेह प्रेम की डोर से बांध रखा है। हमने हर चीज़ को ढूंढ ढूंढ कर अपना इतिहास लिखा है, और कई लोग इस काल पृष्ठ पर अक्षर बनकर दहक रहे हैं। और धरती एक छोटा घर है भाई, हम सब तो पंछी हैं प्यार के। मिट्टी हंसकर हमें बुलाती खेत और खलियान में, सागर हमें सलामी देता आंधी में तूफान में। जब भी श्रम को गले लगाया माटी के इंसान ने, धरती का हर कंकड़ पत्थर बदल गया भगवान में। कोई नहीं पराया, हम तो सभी एक परिवार के, धरती एक घरुंदा भाई, हम सब पंछी प्यार के। अर्थ कि हम जो है किसान जो है ये जाते हैं मिट्टी खेत खलियान में काम करते हैं, इसीलिए सागर भी इन्हें सलामी देता है। मतलब कि सागर भी इन्हें जो है मदद करता है। जब भी आदमी कोई भी मिट्टी का इंसान श्रम करता है, तो धरती का हर कंकड़ पत्थर उसके रास्ते में हर कठिनाई बाधा जो है भगवान में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात कि जो है हर कठिनाई खुद ब खुद मदद करने लगती है श्रम करने वाले आदमी के। और कोई भी पराया नहीं है, हम सब तो एक ही परिवार के, वसुदेव कुटुंबकम। धरती एक छोटा घर है भाई, हम सब पंछी प्यार के। गर्म हवाएं मौन हुई बरगद की ठंडी छाँव में, काटे सारे फूल बन गए मेहनत के हर गांव में। पूरी दुनिया वृंदावन है, हर धड़कन गोपाल है, वंशी के स्वर गूंज रहे हैं गोकुल के हर गांव में। हर मानव के मुख पर जैसे फूल खिले कचनार के, धरती एक घरुंदा भाई, हम सब पंछी प्यार के। अर्थात दुखों का अंत हो जाता है प्रकृति की कोख में, काटे यानी कठिनाई सारे जो है खुशी में परिवर्तित हो जाती हैं जहाँ पे लोग परिश्रम करते हैं। पूरी दुनिया तो वृंदावन है, हर धड़कन गोपाल है, यानी पूरी दुनिया वृंदावन के समान सुख शांति से भरी हुई है और हर धड़कन में गोपाल समाए हुए हैं। वंशी के स्वर गूंज रहे हैं गोकुल के हर गांव में, यानी कि सुखमय वातावरण है हर जगह, और हर मानव इतना खुश है कि उसके फूल पर जैसे फूल खिल गए हो कचनार के। धरती एक छोटा घर है भाई, हम सब पंछी प्यार के। आप सभी का धन्यवाद।